हेलो फ्रेंड्स, तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा था कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ हमें क्या बताता था, और उसकी भी न्यूमेरिकल्स भी हमने पढ़े थे। न्यूमेरिकल्स के साथ साथ अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारा एक पार्ट था मैग्नीट्यूड वाला, वो मैंने बता दिया था आपको कि दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है। ठीक है बच्चों, तो उस टाइम में हमने बताया कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब हम लोग आ रहे हैं डायरेक्शन की बात करेंगे कि दो जो कूलम्स लॉ है उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने जो बोर्ड पे आपको लिखा है वो एक्चुअली क्या है कि वो जो किताबी भाषा है, जो आप लोग समझते हो, जो बुक्स में आप पढ़ते हो वो है। इसके बाद मैं आपको एक थोड़ा सा जनरल टेक्निक पे बात करूंगा, जनरल चीजें बताऊंगा। अभी पहले आपको इसको समझे, जो किताब में आप लोग बुक्स में जो आप पढ़ते हो, एनसीईआरटी में और कहीं भी आप देखते हो, जितनी भी साधारण सी किताबें हैं उसमें आपको ये दिख जाएंगी। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि Q1 और Q2 रख रहे हैं। ठीक, आप इसको देखो, गौर से देखना। एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2। Q1 Q2 कुछ r दूरी पे, ये तो पता ही, आप कूलम्स लॉ मैंने पहले बताया होगा। अब एक केस हम ये लेते हैं, इसको ऐसा कहो कि ये केस वन मान लो आप, केस वन। इस केस वन में हमने क्या क्या करा हुआ है कि सिमिलर चार्जेस रखा है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ऐसा आप मान के चलो। ठीक, इसमें हमने क्या रखा है कि दो चार्ज को r दूरी पे सेपरेट करके रखा हुआ है, और इसको ये बताया है कि इसमें कैसे फोर्स काम करेगा। ये हम सब जानते हैं कि अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं तो दोनों में रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तब हम हमारा क्या हो रहा है, ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये वाला चार्ज इसको इस तरफ रिपेल कर रहा है, मतलब एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिपल्सन हो रहा है दोनों का, क्योंकि ये सिमिलर चार्जेस हैं। ठीक, तो इसको, इस पिक्चर को देखो, इस डायग्राम को देखो, इस फिगर को देखो, और इसमें कुछ कैलकुलेशंस को हम देखते हैं। हमने क्या करा कि पहला, फर्स्ट हमने क्या लिखा, फ्रॉम फिगर वन F1 टू 1/4π ε₀ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इतना तो हम लोग जान रहे थे, इतना हम लोगों ने पहले भी किया था, क्या कहा जब हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू 1/4π ε₀ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसको डायरेक्शन देना है, ये जो फोर्स लग रहा है वो किधर से किधर लग रहा है, Q1 पे किस तरफ चार्ज फोर्स लग रहा है, टू की वजह से डायरेक्शन किधर है, टू टू वन, मीन्स चार्ज को इस तरफ रिपेल कर रहा है, कौन सा चार्ज, ये वाला चार्ज, इसकी वजह से टू की वजह वन वन पे, इसकी वजह से फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, टू की वजह से इस पे इस तरफ रिपल्सन का फोर्स लग रहा है। तो डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया, मीन्स आर से टू टू क्यू टू टू क्यू वन की तरफ फोर्स लग रहा है। मीन्स हम इसको ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा फोर्स आया मैग्नीट्यूड के साथ विद डायरेक्शन, वो क्या हमारा आया, आर स्क्वायर 1/4π ε₀ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इन डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू टू वन, मतलब यहां जो आर टू वन है इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम क्यू टू टू क्यू वन। हम यूनिट वेक्टर के बारे में आप जानते ही हो कि यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन टू टू फ्रॉम वन, मतलब टू से वन की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन ये बता रहा है। सिमिलरली अब अगर मैं F21 की बात करूं, अगर F21 की बात करूं तो F21 1/4π ε₀ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और R12 मीन्स वन से टू की तरफ, तो ये वन से टू की तरफ फोर्स लग रहा है, ये आप साफ साफ सब दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, तो आप देख सकते हो यहां पे, ये भी क्लियर है। ये जो फॉर्म्स है इसको आप इक्वेशन वन मान लो, इसको इक्वेशन टू मान लो, कंसिडर करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पर, यहां पर आते हैं, यहां पर क्या है हमारा Q1 और Q2, क्या है ये, डिसिमिलर चार्ज है, मतलब एक नेगेटिव रख रहे हो तो एक पॉजिटिव। तो अगर आप यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखो मान लो, और ये एक आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये वाला चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मीन्स दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगेंगे बट ऑलवेज अपोजिट लगेंगे, ये देख लो इधर और इधर। ठीक, सेपरेटेड, सेम जो यहां किया मैंने, आर डिस्टेंस को सेपरेट किया हुआ है। तब क्या हो रहा है यहां पे, अब देखो वन से टू की तरफ का डायरेक्शन तो वही रहेगा, जो डायरेक्शन इसमें था वही डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का रहेगा, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कहीं चेंज होने नहीं जा रहा है। बट हम अगर सिर्फ डिसिमिलर चार्जेस लेते हैं तो हमारे फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। हमारा क्या हो रहा है, F21 जो होता है 1/4π ε₀ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R21 टू टुवार्ड्स वन, मीन अगर आप फोर्स ऑन टू
ऑन टू Q2, Q2 ये है हमारा। अगर Q2 हम लेते हैं तो हमको Q2 किसकी वजह से, 1 की वजह से, ये किसको क्या करेगा, अपनी तरफ मतलब डायरेक्शन इधर होगा, मीन्स 2 से 1 की तरफ ही डायरेक्शन होगा, तो हमने यहाँ लिखा। उसी तरह से F12 को भी मैंने लिया और वही मैंने किया। तो ये जो चार इक्वेशन बन रही है, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। ये आपको याद रखना है, ये चारों फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग नीचे में एक लाइन लिख लो, दीज 4 इक्वेशंस आर नोन एज द कूलम्स वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, चलिए इसको उतारिए, नोट कीजिए इसको। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोगों ने चार इक्वेशन देखा और चारों इक्वेशन में हमारे पास क्या आया कि वेक्टर फॉर्म आया। अब इस वेक्टर फॉर्म को एक 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 यहां पे मैं आपको एक चीज दिखलाता हूं कि अगर यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक चीज आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि R12, सॉरी ये R21 है, R12 जो है वो -R21 के बराबर है। मींस R12 इज अपोजिट टू, अरे यार क्या गलती किया, R21 के, ठीक, R12 मतलब R1 से 2 की तरफ का डायरेक्शन 2 to 1 की तरफ का डायरेक्शन का उल्टा है, मतलब रिवर्स है, अपोजिट है। आप साफ देख लो, ये R12 है और ये R21 है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में है। तो अपोजिट में जब है तो हम एक चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, किसी भी एक R12 की जगह -R21 डाल दो। मीन्स अगर ये R12 है, इस इक्वेशन को अगर आप देख लो, इक्वेशन 2 को देख लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 को देख लो, F21 जो हमारा था वो क्या था हमारा, वन बाई फोर पाई एप्साइलन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R2। इतना हम अभी तक देख पा रहे हैं। अब R12 की जगह अगर मैं -R21 कर दूं ऐसा, तो क्या मैं F21 को, ये क्या हो गया यार, इसको ऐसे देख लो, F21 को -1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 बाई R2 R21 लिख सकता एकदम बिल्कुल। ये जरा गौर से देखो, इस पर थोड़ा कंसंट्रेट करो, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 बाई R2 R21, ये कौन सी इक्वेशन बन गया, F12 का। मीन्स माइनस को बाहर रहने दो, यहां पे कौन सी इक्वेशन लिख सकते हो आप, F12, ये ऐसा लिख सकते हो। मीन्स कि आप कह सकते हो कि F12 F21 इज इक्वल टू -F12 माइनस साइन के साथ। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप विच इज डिफाइंड बाय द कूलम्स इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो कूलम्स लॉ में आपको ये चीज साफ दिखने को दिख रहा है कि अपोजिट फोर्स लग रहा है, कि F21 जो फोर्स है वो किसका अपोजिट है, F12 का। मैंने जब कूलम्स लॉ को बताया था तभी बताया था कि एक लगेगा राइट तो दूसरा लगेगा लेफ्ट की तरफ, मीन्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहे हैं, चाहे आप चार्जेस सिमिलर रखो या डिसिमिलर रखो। आप साफ साफ देख रहे हो कि हम क्या देख पा रहे हैं कि जब Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है वो इस तरफ लग रहा है, Q2 जब Q1 पे लगा रहा है तो वो उस तरफ लग रहा है, एक लगा इधर तो एक लगा इस तरफ। आप इधर इसमें भी देख लो, सेकंड केस में भी देख लो, जब डिसिमिलर चार्जेस में जब एक फोर्स हम इस वन पे लगा रहे हैं तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, जब टू पे लगा रहे हैं तो वन इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स दोनों अपोजिट में है। लग तो सिमिलर फोर्सेज लग रहे हैं लेकिन दोनों क्या लग रहे हैं, अपोजिट लग रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना चाहिए कि F21 इक्वल टू -F12, दिस इज बेस्ट एंड गुड रिलेशनशिप है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये तो हो गया किताबी भाषा की बातें। अब जितने भी
हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं वो इस तरह ही से डिफाइन किया हुआ रहता है। अब हम लोग अपनी भाषा में एक चीज देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का एक आसान फॉर्मेट में बताता हूं। अभी तक जो मैंने हम लोगों ने किया चार इक्वेशंस, और फिर उसको मैंने ये सॉल्व किया कि कौन फोर्स किसके अपोजिट होगा, एक फोर्स दूसरे फोर्स के अपोजिट होता है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखते हैं अब बहुत ही आसान सा फॉर्म मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि आपके पास या हमारे पास एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, दूसरा चार्ज। ठीक, दो चार्ज के बीच की दूरी मैंने वही एज इट इज R रखा। तो मैं आपसे बोलूं कि भैया बताओ ये फोर्स कितना होगा दोनों के बीच में। आप कुछ नहीं करोगे, आप क्या करोगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिख दोगे। मैं बोलूं इसको डायरेक्शन दे दो, मैं बोलता हूं आप इसको डायरेक्शन दे दो, आप क्या करोगे, चलो भैया वेक्टर बना देते हैं हम लोग, डायरेक्शन आ गया। तो अगर ये वेक्टर है तो इस ये तो पूरा मैग्नीट्यूड है, यहां कुछ तो दिखा नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको ऐसा कर देते हैं, सॉरी पाई नहीं कैप। ठीक, तो कैप कैप बना, थोड़ा अच्छा बनाओ यार, लो अच्छा से बना देता हूं, कैप डाल दो, ये यूनिट वेक्टर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला मैग्नीट्यूड है नहीं। मैंने क्या करा, वेक्टर देकर डायरेक्शन दे दिया, मींस अब किस तरफ है ये तो नहीं पता चल रहा कि ये किधर है, चलो देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं, हम क्या जानते हैं, आर यूनिट वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आप हम सब पढ़ चुके हैं, कहां वेक्टर और वेक्टर एस्केलेटर वेक्टर, जब हम लोगों ने 12th 11th में पढ़ा होगा तभी हम लोगों को पता हो गया था क्या चीज, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर बाई आर वेक्टर का दिस। यहां एक चीज और देखो, ये दो चार्ज है हमारा है ना, तो इस वेक्टर इस दूरी को आर मान लिया हम लोगों ने। चलो अगर मैं आर वेक्टर मानू कोई, तो ये आर वेक्टर कितना होगा, आर वेक्टर का मतलब होगा आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर अगर देखेंगे तो मान लेते हैं मैं एक फ्रेम ले लेता हूं यहां से यहां तक का, ये हमारा कौन सा है आर वन और ये दूरी कौन सी है आर टू, थोड़ा किच पिच हो गया है खुद से ठीक कर लेना। ठीक है, मीन्स मैंने क्या ले लिया, एक पोजिशन वेक्टर ले लिया 0 0 यहाँ पर, और क्या लिया यहां से आर वन वेक्टर, यहां से आर टू वेक्टर, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। ठीक, ये समझ लो। अब मैं क्या करता हूं, ये मैंने ऐसे समझाने के लिए बोला, बाद में बताऊंगा क्या होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 r² r वेक्टर यहां डाला, अब हमारे पास फोर्स हमारा कौन सा कैसे आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r² r वेक्टर r वेक्टर का मैग्नीट्यूड मींस r, तो ये क्या हो जाएगा r³। या चलो फिर से कर पूरा पूरा कर देता हूं मैं, r² r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये जो एफ वेक्टर आपका निकलेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r³ r वेक्टर। ये ही फॉर्म है वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ का, सिंपल आसान सा फॉर्मेट। अब यहां पे एक सवाल है, सवाल क्या है जो आपके मन में आना चाहिए था लेकिन आपके मन में नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं, आपको बताते तो आपको आ जाता। अब मैं बताता हूं कि सवाल क्या आना चाहिए। पहला सवाल यह आना चाहिए कि अगर मैं ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रख दूं तब तो ये इक्वेशन मिला मिला जुला के सही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि आर वेक्टर का जो हेड है, आर वेक्टर का, ये आर वेक्टर का यहां पर लिख रहे हो, वो उस तरफ रख दो जिस तरफ फोर्स निकालना हो, मतलब जिस चार्ज पे फोर्स। मान लो कि मैं आर वेक्टर का हेड यहां रख देता हूं तो मैं आर F12 निकाल लूंगा, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r³ r वेक्टर। तो r वेक्टर का हेड आपने इधर रख दिया, जब r वेक्टर का इधर इधर आपने हेड रखा तो ये इस तरफ रखा हेड, तो ये सिमिलर, ये तो आपको क्या हो जाएगा सही आ जाएगा। मीन्स अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव लूं तो इस पे निकाला तो इधर भागेगा, तो r वेक्टर का हेड भी मैंने इधर ही रखा, मैं डायरेक्शन भी इधर ही रखा और फोर्स भी इधर ही है, हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। लेकिन 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 एक बात देखो, अगर मैं इसको माइनस चार्ज कर दूं तो क्या होगा,
फिर आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि सर आर वेक्टर का हेड उधर रखे जिस पे फोर्स रखना है, लगाना है। ठीक है, मैंने रख दिया आर वेक्टर का हेड जिस पे फोर्स लगाना है, लगा भी दिया मैंने, लेकिन सर फोर्स तो इधर लग रहा है, डायरेक्शन आप इधर दिखा रहे हैं फोर्स का, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो उसका भी समाधान हमारे पास है। पहले लिखो कि आर वेक्टर, कीप द हेड ऑफ आर वेक्टर ऑन द चार्ज जहां पे फोर्स निकाल लो। चलो, आर वेक्टर का हेड उस चार्ज पर रखें, हिंदी में लिखा दे, याद रहेगा, जिस पे फोर्स निकालना है। और दूसरा सवाल जो आया मन में अभी कि भैया अगर माइनस चार्ज हो जाए तो डायरेक्शन तो इधर हो जाएगा, लेकिन आप तो सर कह रहे हो कि आर वेक्टर का इधर रखिए। उसका उस समस्या का भी समाधान है आपकी कैलकुलेशन में कि Q1 एंड Q2 को साइन के साथ रख दीजिए, ऑटोमेटिकली डायरेक्शन चेंज, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? अच्छे से नोट कीजिए इसको, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इतना ही इस्तेमाल करना है। वो जो पहली भाषा थी, अगर बोर्ड में आपको पूछे तो वो लिख सकते हो, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना अत्यंत आवश्यक है। अब मैं इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में चेंज कर सकता हूँ, सिंपल चेंज कर दो यार, कुछ नहीं, यहां पर डाल दो आर वेक्टर बन जाएगा। क्या करोगे आप लोग, आर वेक्टर की जगह क्या डालोगे बोलो? R2 - R1 वेक्टर। और यहां क्या डालोगे? R2 - R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, सिंपली इन टर्म्स ऑफ, अरे किताब में क्या क्या दे रहता है, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ फलना वेक्टर, चिलना वेक्टर, यार कंफ्यूजिंग। जब मैं पढ़ता था तभी मुझे भी बड़ी कंफ्यूजन होता था, लेकिन जब से ये समझ में आया, आसान आसान भाषा समझ में आई, तब से बहुत बहुत आसान है यार, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वैक्टर लिख लेते हैं सिंपली, इन टर्म्स ऑफ, लिखो यहां पर हल्का सा, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। इतनी सी कहानी थी आपको, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में बस इतनी सी कहानी थी, छोटी सी कहानी थी, आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत आसान है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है एफ वेक्टर इक्वल टू 1 बाई, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह के लिख दूं, लिख दो भाई, के की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होती है, वैल्यू वैल्यू क्या होती है मैग्नीट्यूड में, 9 × 10⁻⁹, याद रखना है। तो के Q1 Q2 / R का होल क्यू, तो R के होल क्यू की जगह R2 - R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यू इंटू R2 वेक्टर - R1 वेक्टर, दिस इज द, अब निकालते रहो पोजीशन वेक्टर यार, कितना निकालोगे, किताब में को कहानी है, इतनी दी हुई है कि परेशान हो जाते थे हम लोग। बहुत सारी बुक है ना, वो ABCDABC कौन कौन सी बहुत सारी किताबें थी, इसमें पूरा पोजीशन वेक्टर निकलवाता था हमसे, ये निकालो वो निकालो, फिर उसको ऐड करो, फिर सम करो, फिर कैलकुलेट करो, यार करते करते हालत खराब होती थी। अब आपके सामने कुछ नहीं है, सिंपली क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 / R2 Q1 Q2 / R2 Q1 Q2 / R2, और यहाँ डालो इसको पोजीशन वेक्टर चेंज कर दो, इस वाला वेक्टर यहाँ डालो, बन के खत्म कहानी, सिंपली एकदम सिंपल सा कहानी है। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं, आज करें या बाद में करें। चलो एक काम करो, एक न्यूमेरिकल छोटा सा हम करते हैं, एक आप करके लाना, वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, डायरेक्शन के चेंज होने वाला। न्यूमेरिकल्स क्या है, एक चार्ज है यहां पे, इसका पोजीशन वेक्टर 3, 3 एंड 4 है, एक चार्ज है यहां पे, इसका पोजीशन 6 एंड 8 है। ठीक, एक चार्ज दिया हुआ है -2 कूलम, ये चार्ज आपका -2 कूलम है,
और ये +5 कूलम्ब है। ठीक, निकालना क्या है? निकालना फोर्स ऑन, फाइंड द फोर्स ऑन 5 कूलम्ब चार्ज। देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड द फोर्स ऑन, फाइंड द फोर्स ऑन 5 कूलम्ब चार्ज ड्यू टू 2 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, फाइंड करो, कैसे करोगे? आएगा, हो जाएगा, चलो हो जाएगा तो करो। इसको एक काम करो, वेक्टर याद है उसी तरीके से करो। एक आप पोजीशन वेक्टर ले लो यार, ठीक है, एक यहां आएगा R1, एक यहां आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना यार, थोड़ा सा टिल्ट कर देना, यहां लिख लो 5 कूलम्ब। तो यहां आ गया, इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, और इसको मान लो कौन सा R वेक्टर। हो गया, अब R1 की वैल्यू क्या होगी? सिंपली याद है, वेक्टर याद है, एकदम से याद होगा यार, क्यों नहीं याद होगा? 3i+ कितना 4j। R2 की वैल्यू क्या होगी? 6i+8j। आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? 3 R2 वेक्टर माइनस, यार पढ़ा था वेक्टर में, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। 6 में से को तो 3i+4j आर वेक्टर आ गया। अब इसी का मैग्नीट्यूड निकाल दो, कितना आएगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड? याद है 9+16 √25 = 5। हो गया, अब देखो क्या करना है, फोर्स निकालना है। 5 कौन सा? 2 कूलम्ब चार्ज, 2 कूलम्ब चार्ज फोर्स ऑन 5c डू टू। कैसे निकालोगे? के फॉर्म में निकालो, 9 वाइंड क्या डालोगे फिर? के फॉर्म में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? मैंने एक बात बोला था, क्या रखना है? -2 × 5, दो चार्ज था, डायरेक्शन होल क्यू है ना, तो होल क्यू, होल क्यू कितना 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 कितना, बोलो बोलो कितना? R³, 5 का R³, 5 का R³, 125, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, ठीक 125। और यहां क्या आएगा बेटा? 3i+4j, यही तो निकाला था मैंने फॉर्मूला में, वही था, याद करना, देखना फिर से। तो क्या आ जाएगा आपका F फोर्स? क्या आ जाएगा? 10K/125, इसको माइनस कर दो आप, देखो अपने आप चेंज आएगा, -3i+4 -4j, आया कि नहीं आया? आया ना, देखो आया ना। मैंने क्या रखा था? आर वेक्टर का हेड तो उधर ही रख लिया था, इस पे फोर्स निकालना था, मीन्स हमको क्या निकालना था? फाइंड द फोर्स ऑन 5 कूलम्ब चार्ज ड्यू टू 2 कूलम्ब चार्ज। तो मैंने रखा था इधर आर वेक्टर का हेड, आर वेक्टर हेड किधर रखा था? इधर रखा था, स्टार्टअप में जब मैंने क्वेश्चन बनाना शुरू किया तो इधर रखा था, ठीक, जब इधर रखा लेकिन फोर्स तो इधर लग रहा था, तो ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया? हमारे फोर्स को चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, -3i - 4j, सीधा उल्टा। हो गया कि नहीं हो गया? यही तो करना था अपने को, और तो कुछ करना नहीं था। तो ये आपको हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, और जो आपके शीट में क्वेश्चन है उसको बना लीजिएगा, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करा देंगे एक दो अगर कराना होगा तो। बाकी आप बुक्स में देख लेना, शीट में देख लेना, NCERT देख लेना, SC वर्मा तो आपको पूरा का पूरा बनाना ही है, वो तो पूरा बनाना है, पूरा कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब बनाना है, तो उसको तो छोड़ दीजिए फिलहाल, इसको देख लीजिए, ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।